Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel, my new video. So guys, first of all, happy Janmashtami to all of you. And guys, आज के दिन भी मैं vlog नहीं बनाने वाला था क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि हम इस time celebrate नहीं करने वाले because कुछ चीज़ें नहीं ला पाएंगे. But पता नहीं कैसे suddenly सब कुछ plan हो गया and घर पे decoration भी हो गई एंड केक वगैरह भी आ गई. एंड मेरा जो छोटा भाई है खुश, आपने देखा होगा मस्ती करता मेरे साथ, वो भी रेडी हो के आज का खाना बनने वाला है. सो पता नहीं ये सब सडनली प्लान हो गया एंड मैंने सोचा सडनली प्लान हुआ ही है एंड केक भी कटने वाला है एंड ये डेकोरेशन शोज हुआ है सब कुछ, तो क्यों ना मैं ब्लॉग भी कर लूँ, क्यों ना आपके साथ शेयर भी कर लूँ. एंड तो बस ये बात बोलनी थी. एंड ये केक कटेगा, मम्मी बोल रही थी 12 बजे कटेगा. सो तब तक क्या करेंगे वो तो अभी मैं धीरे धीरे आपको क्लिप बताते रहूँगा मैं क्या करने वाला हूँ. और ये वैसे भी ब्लॉग छोटा ही बनने वाला है, आई गेस 6 मिनट से शायद तक ही ऊपर जाएगा ये. बट कोई नहीं, जैसा भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा. प्लीज़ डोंट स्किप एनी क्लिप एंड पूरा देखना, यहाँ से अभी तक जहाँ से देख रहे हो ना वहाँ से लेके एंड तक देखना, ठीक है. एंड चलो हमारी और में एक स्वीट एंड स्मॉल्स मंदिर है जिसमें आज पूरे दादी ने वॉश किया, साफ किया. एंड अभी ये टेबल जो मैं बोला था आपको डेकोरेशन होगा या नहीं होगा, बट हो गया. सो ये जो फेस रिवील होगा रात को होगा एंड ये छोटा मोटा डेकोरेशन है. छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमारा भजन है गोपाल. काट तो केक काट लो, केक काट. ओ हाँ बस थोड़े से, एक बार थोड़ी सी काट दे, काट 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 दे, काट दे. इधर देख, अब तू फोटो को छोड़ दे, अब बोलो तो हैप्पी बर्थडे काटले. मैं आउटरो अभी मतलब ये दिन के उजाले में कर रहा हूँ बिकॉज रात को फिर 12 बजे केक कटेगी एंड मैं 12:30 कुछ फ्री होऊंगा. एंड बाद में बोलते हैं ना
अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब फेस अभी कैसा क्लियर दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा। सो हाँ, तो फिर क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं आउटो करने में मज़ा नहीं आएगी, और फिर ऐसे काला काला दिखेगा, ऑडियो आएगी, सो अच्छे से मज़ा नहीं आएगी। सो ये बात थी। एंड एक और बात, मतलब अभी ये जन्माष्टमी तो बहुत बेकार गई यार, मज़ा नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि हर टाइम मतलब कितने। एंड एक और गाइस बात थी, मतलब ये जन्माष्टमी बोलते ना एकदम इतनी मज़ा नहीं आई, बोलते हैं एकदम सन्नाटा, एकदम शांतिपूर्वक चली गई, क्योंकि ऐसी बारिश में जन्माष्टमी होती थी कितना मज़ा आता था, मतलब लास्ट साल की बात कर लो फॉर एग्जांपल के तौर में। बट इस साल खाली मंदिर सजे, अपने घर में ही मंदिर सजे, अपने घर में ही डेकोरेट हुए, और कहीं मटकी वगैरह फूटी नहीं, कहीं शोर शराबा या कुछ क्राउड, मतलब ऐसा जो अपने जन्माष्टमी में फेस्टिवल बनाते वैसा बना नहीं कहीं, ये बहुत बेकार बात हुई। और नॉट इनफैक्ट खाली जन्माष्टमी, ये गणेश चतुर्थी, नवरात्रि भी मेरे को लगता है ऐसी निकलेगी, कोई इतना क्राउड एंड कोई मेरे को लगता नहीं अच्छे से बन पाएगी। सो ये तो गाइस यूजुअली मैं मेरे फ्रेंड्स जाया करते थे, मतलब अलग अलग जगह जाके मस्त ऐसे देखा करते थे, मज़ा आती थी, घूम भी लेते थे एंड मटकियाँ फूटती थी वो देख भी लेते थे, मतलब इन्जॉयमेंट होता था। और बट इस साल मेरे को तो लगता नहीं कहीं बनेगी, फूटेगी भी, कोई आधे एक सोसाइटी होगी अपने ही अंदर ही अंदर, वो सोसाइटी में काम करके फोड़ ले तो बात अलग है, बट कोई नहीं। बट घर पे हमने सेलिब्रेट कर लिया, केक काट ली, बर्थडे भी मना लिया एंड इन्जॉयमेंट भी हो गई, और क्या चाहिए, बस ठीक है। अभी कुछ और कर नहीं सकते थे, इससे हमने काम चला लिया। सो गाइस दिस इज, मतलब और कुछ है नहीं बोलने के लिए, सो बस इतना ही था ब्लॉग। Yeah.